Cervical cancer is the second most common cancer amongst females. ब्रेस्ट कैंसर के बाद अगर कोई कैंसर है जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर। अगर हम देखें तो एवरी ईयर अबाउट 1 लाख केसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में देखे जाते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 60,000 आर द सर्वाइवर्स। दैट मीन्स एवरी 8 मिनट देर इज वन डेथ। हर 8 मिनट में एक फीमेल डाइज ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ईशा। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं? अगर वो हैं आप में तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या है? कैसे पता लग सकता है कि कहीं हम इस डिजीज से जूझ तो नहीं रहे हैं या इसकी स्टार्टिंग स्टेज पे तो नहीं है? वाई? बिकॉज इन द प्रिलिमिनरी, एक अच्छी चीज सर्वाइकल कैंसर की ये है कि ये बहुत टाइम लेता है ग्रो करने के लिए। इट गिव्स एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू द पेशेंट। सालों साल लग जाते हैं, कुछ केसेस में 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक लग जाते हैं इसको उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो जब प्रिलिमिनरी स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत इजीली अवेलेबल है, इवन इन आयुर्वेद अवेलेबल है, आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं तो आपको इसको डायग्नोस करवाना है। डायग्नोस कराने के लिए कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं? इन केस आपको ऐसा अभी कुछ नहीं है तो फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, उन सब के लिए आपको कौन से ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करने हैं और कैसे कैसे आपको इस तरह के किसी भी कार्सिनोमा से दूर रहना है, इस वीडियो में उन सब चीजों की बात करेंगे। बात करेंगे हम रिस्क फैक्टर्स की। कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं जिसमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? दैट इज, फर्स्ट इज द वायरल इन्फेक्शन, HPV। अगर ये वायरल इन्फेक्शन रहता है एंड लॉन्ग टर्म रहता है, इट लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। इसके लिए टेस्ट आते हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में इसको डायग्नोज कर लिया जाए एंड ट्रीट कर लिया जाए तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। सेकेंड इज मल्टीपल पार्टनर्स। इनकेस मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड उसके साथ साथ इन केस योर हस्बैंड इज अ कैरियर फॉर दिस वायरस, देन ऑल्सो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अलॉन्ग विद दैट पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ पर हाइजीन बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, पुअर हाइजीन लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। बहुत देर से सिम्टम्स में आपको बाद में बताऊंगी। एंड देन कम्स अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हैं, उन केसेस में भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अलॉन्ग विद दैट फ्यू सर्टेन ऐसी डिजीजेज जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज रहता है, उन केसेज में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे किसी को HIV है, उन केसेस में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एनी केस जहाँ इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, वहां पर भी इस सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ वी कम टू द सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे हम सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं? सेल्फ डायग्नोज नहीं कर सकते लेकिन सेल्फ एनालिसिस जरूर कर सकते हैं कि कहीं ये सिम्टम्स हम में तो नहीं है। सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिए कि एक रेगुलर साइकिल रहता है आपका। सपोज आपका 28 डेज साइकिल है तो वहां से कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ शिफ्ट हो जाएगा। सपोज आपका 32 डेज साइकिल है, देन ऑल्सो इट्स हमेशा से अगर इतना है, दैट इज वेरी मच नॉर्मल। एंड इन केस आप देख रहे हैं कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रह रही है या ब्लीडिंग इन बिटवीन साइकिल रह रही है या स्पॉटिंग रह रही है, ऑल थ्रू आउट द मंथ स्पॉटिंग रह रही है, या कलर ऑफ ब्लड जो है वो ब्लैकिश हो गया है, एनी सच चेंज, या फिर आपका डिस्चार्ज जो है दैट इज अ फाउल स्मेल, बहुत देर से सालों साल से है एंड दैट इज काइंड ऑफ ब्राउनिश डिस्चार्ज, एंड और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होना, या फिर यूरिनेशन पेनफुल होना, या मोशन पासिंग पेनफुल होना, या यूरिनेशन में समटाइम्स ब्लड आ जाना। इस तरह के मल्टीपल ऐसे इसके सिम्टम्स हैं। बट रिमेंबर, ये सिम्टम्स बहुत सारे आप लोगों में होंगे, दैट डज नॉट मीन्स कि सर्वाइकल कैंसर है, बिकॉज ऐसे ही सिम्टम्स जो हैं वो बहुत सारे गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस में होते हैं, एडिनोमाइसिस में होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में होते हैं, सिंपल वजाइनल डिस्चार्ज में भी ऐसा हो सकता है, एडहेजन्स के केसेस में ऐसा हो सकता है। सो जस्ट बाय सीइंग दीज सिम्टम्स, क्योंकि ये सिम्टम्स ही ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से इग्नोर किए जा सकते हैं, दैट्स वाई सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में बहुत मुश्किल से उनको ये डायग्नोज हो पाता है, बिकॉज ये हल्की ऐसे डिस्चार्ज बहुत लॉन्ग टर्म रह रहा है, उसको आप बहुत ईजिली इग्नोर कर सकते हैं कि इट्स वेरी मच नॉर्मल। बट अगर कुछ भी इस तरह का सिम्टम्स हैं तो यू हैव टू गेट योर सेल्फ डायग्नोज। डायग्नोज कैसे करना है इसका? इट्स अ वेरी सिंपल
टेस्ट, पैप स्मियर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, एंड इस इन्वेस्टिगेशन में आपको ये मालूम चल जाता है कि आर देयर सम चांसेस, देन कोल्पोस्कोपी इज द टेस्ट, देन सिटी स्कैन इज अनदर टेस्ट, देन एमआरआई, देन बायोप्सी, देयर आर होल लॉट ऑफ टेस्ट, बट द स्टार्टिंग टेस्ट इज गो फॉर अ पैप स्मियर। इट्स अ वेरी सिंपल इन्वेस्टिगेशन, पैप स्मियर इन्वेस्टिगेशन करा के बहुत हद तक इसके चांसेस जो है पता लग जाते हैं। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट 60-70% विद आयुर्वेदा भी पॉसिबल है। लेटर स्टेजेस में जो चांसेस है दैट आर 20-30%, इट हैज डिफरेंट स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3 and 4, उसके अपने अपने अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या नजर आएगा वो सब है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस क्योंकि उस डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना चीज याद रखिए, इन केस अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या कर सकते हैं, देयर आर वेरी गुड एंटी इंफ्लामेटरी हर्ब्स, एंटी कार्सिनोजेनिक हर्ब्स, देन देयर आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स जो इस पे वर्क करती हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक हर्ब्स जो हैं वो एनी काइंड ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ पे वर्क करती हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं ताकि ऑटोफेगी मैकेनिज्म एनहांस हो जाए, एंड इस पे वर्क करती हैं। देन एंटी इन्फेक्टिव हर्ब्स हैं, किसी भी तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन पे वर्क करती हैं। एंड देर आर दोषा बैलेंसिंग हर्ब्स, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स सीइंग द स्टेज जो यूज किया जाता है। एंड उसके साथ साथ अब हम क्या करें जिनको ऐसा कुछ नहीं है लेकिन माइंड में ऐसा स्ट्रेस है कि कहीं हो ना जाए, उनके लिए ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो आप में से कोई भी ले सकता है। फर्स्ट इज अश्वगंधा, दैट इज अ वेरी गुड हर्ब, जिसका अगर मैं कॉज ऑफ एक्शन बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इस केस में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है बिकॉज स्ट्रेस से इसका बहुत सॉलिड वाला लिंक रहता है। एंड अश्वगंधा में बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसके इसके ऊपर ये होने नहीं देती हैं। देन इम्यूनो मॉड्यूलेटर हर्ब्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, देर आर सर्टेन सिरप्स और आसव्स और अरिष्ट जो कि आयुर्वेदा में है जो आप में से कोई भी ले सकता है, दैट इज कुमार यासव, बहुत इजीली अवेलेबल है एंड इज अ वेरी चीप, बहुत सस्ता वाला है कुमार यासव, आप में से कोई भी ले सकता है। फीमेल्स जो अबव 30 हो जाती हैं दे शुड स्टार्ट अप विद कुमार यासव, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। एंड उसको लेना कैसे है, 4 चम्मच आसव का एंड उसमें उतना डाइल्यूट करके, पानी में डाइल्यूट करके यू हैव टू टेक इट। सो इट्स वेरी सिंपल, इन केस विजिलेंट रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। अगर ये हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है बिकॉज इसको ट्रीट करना इज ईजियर बिकॉज ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, बहुत धीरे धीरे, में बहुत ज्यादा टाइम देता है इसको ठीक करने के लिए, प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रीट करते हैं। और अगर नहीं हुआ है तो क्या करना है, तो स्टार्टअप अबव 30 फीमेल्स जो भी हैं, स्टार्टअप विद दीज आसव, स्टार्टअप विद अश्वगंधा, अगर इन केस कॉन्स्टिपेशन है तो अश्वगंधा कहीं को कॉन्स्टिपेशन करेगा तो उसके साथ साथ आप त्रिफला स्टार्ट कर लीजिए। सो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, ये प्रिवेंटिव हर्ब्स हैं। इन केस कुछ डिजीज हो जाता है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे हर्बल कॉम्बिनेशन देने होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक, देन देयर आर जो आपकी इम्यूनो मॉड्यूलेटर हर्ब्स हैं, इम्यून सिस्टम को करते हैं इम्प्रूव। देन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अंदर एडहेशंस को रिजॉल्व करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स देना होता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो उसमें आप सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकते या मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। जो दो आप लोगों को बताए हैं, जो तीन आप लोग बताए, त्रिफला, अश्वगंधा एंड कुमार यासव, ये आप में से कोई भी ले सकता है फीमेल। एंड अगर आप लेते रहेंगे तो आपको उस स्टेज पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहां पर हमें सोचना पड़ेगा कहीं मुझे सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चन एंड क्वेरीज आप हमेशा हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।